नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एन एल पी रिफ़र्स टू ए आई मैथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद एन इंटेलिजेंट सिस्टम्स यूजिंग ए नेचुरल लैंग्वेज सच एज सच एज इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिफ़र करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथड को जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ एक नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करके यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश की जैसा हो सकता है प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इस रिक्वायर्ड वैन यू वॉन्ट एन इंटेलिजेंस सिस्टम लाइक रोबोट टू परफॉर्म एज पर योर इंस्ट्रक्शन वैन यू वॉन्ट टू ही डिसीजन फ्राम ए डायलॉग बेस्ड क्लिनिकल एक्सपर्ट सिस्टम एट्सट्रा नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है जब आप चाहते हैं कि एक इंटेलिजेंस सिस्टम जैसे कि रोबोट परफॉर्म करें आप, आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग या, या फिर जब जब आप हेयर करना चाहते हैं डिसीजन एक डायलॉग बेस्ड क्लिनिकल एक्सपर्ट सिस्टम से द फील्ड ऑफ़ एन एल पी इन्वॉल्व मेकिंग कंप्यूटर्स टू परफॉर्म यूज़फुल टास्क विद द नेचुरल लैंग्वेज ह्यूमन यूज़ फ़ील्ड ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है कि कंप्यूटर को हम कुछ इस तरीके से बना सकें कि वो परफॉर्म कर सकें यूज़फुल टास्क नेचुरल लैंग्वेज के साथ जिन्हें कि ह्यूमन यूज़ करते हैं द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन एल एन एल पी सिस्टम कैन बी स्पीच और रिटर्न टेक्स्ट इनपुट या आउटपुट एन एल पी सिस्टम का हो सकता है इस्पीच या फिर रिटर्न टैक्सट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन एन पी के बारे में यानि कि कम्पोनेंट्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में देर आर टू कम्पोनेंट्स ऑफ एन एल पी एस गी वन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के दो कम्पोनेंट होते हैं पहला होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एन एल यू फर्स्ट कंपोनेंट होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एन एल यू अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग टास्क मैपिंग द गिवन इनपुट इन नेचुरल लैंग्वेज इंटू यूजफुल रिप्रजेंटेशंस एनालाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग में इन्वॉल्व होता है फॉलोइंग टास्क मैप करना दिए गए इनपुट को नेचुरल लैंग्वेज में इन टू यूजफुल रिप्रजेंटेशन एनालाइज करना डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज इसके बाद जो सेकेंड कंपोनेंट है वो है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एल एन जी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल फ्रेसिस एंड सेंटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज फ्राम समर्नल रिप्रजेंटेशन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं मीनिंगफुल फ्रेसिस और सेंटेंसेस नेचुरल लैंग्वेज के नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्म uh, uh, में एक कुछ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से इट इन्वॉल्व्स नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में इन्वॉल्व होते हैं फॉलोइंग थिंग्स लाइक टेक्स्ट प्लानिंग इट इंक्लूड्स रिट्राइविंग द रिलेवेंट कंटेंट फ्रॉम द नॉलेज बेस टेक्स्ट प्लानिंग इसमें इंक्लूड होता है रिट्राइव करना रिलेवेंट कंटेंट नॉलेज बेस से सेकेंड होता है सेंटेंस प्लानिंग इट इंक्लूड्स चूजिंग रिक्वायर्ड वर्ड्स फॉर्मिंग मीनिंगफुल सेटिंग टोन ऑफ द सेंटेंस सेंटेंस प्लानिंग यह इंक्लूड करता है चूज करना रिक्वायर्ड वर्ड्स फॉर्म करना मीनिंगफुल्रेसिस सेट करना टोन ऑफ द सेंटेंस नेक्स्ट है टेक्सट रियलाइजेशन इट इज़ मैपिंग सेंटेंस प्लान इन टू सेंटेंस स्ट्रक्चर टेक्स रियलाइजेशन यह होता है मैप करना सेंटेंस प्लान को सेंटेंस स्ट्रक्चर में द एन एल यू इज़ हार्डर दैन एन एल जी एन एल यू जो होता है एन एल जी से हार्डर होता है डिफ़िकल्टीज इन एन एल यू एन एल यू में भी कुछ डिफ़िकल्टीस आती हैं जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे एन एल हैज़ एन एक्सट्रीम रिच फॉर्म एंड सोर्स नेचुरल लैंग्वेज में एक्सट्रीम रॉम और इस्ट्रक्चर होता है इट इज़ वेरी एम्बिगस देयर कैन भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्बिग्यूटी यह बहुत ही एम्बिगस होता है इसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्बिगिटी हो सकता है फर्स्ट होता है लेक्सिकल एम्बिगिटी इट इट इज़ एट प्रिमिटिव लेवल सच एज वर्ड लेवल फॉर एग्जाम्पल ट्रीटिंग द वर्ड बोर्ड एस नाउन और वर्ब। लेक्सिकल एम्बिगिटी यह बहुत ही प्रिमिटिव लेवल पे होता है जैसे कि वर्ड लेवल पे एग्ज़ाम्पल के लिए कि हम बोर्ड वर्ड को क्या नाउन ट्रीट करेंगे या वर्ब ट्रीट करेंगे लेवल एम्बिगिटी ए सेंटेंस कैन बी पास्ड इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स लेवल एम्बिगिटी एक सेंटेंस को पास्ड किया जा सकता है डिफरेंट वेज में फॉर एग्जाम्पल ही लिफ्टेड द बेटल विथ रेड कैप डिड ही यूज कैप टू लिफ्ट द बीटल और ही लिफ्टेड ए बीटल दैट हैड रेड कैप के लिए उसने लिफ्ट किया बीटल को रेड कैप के साथ क्या उसने कैप का इस्तेमाल किया बीटल को लेफ्ट करने के लिए या फिर उसने लिफ्ट किया एक बीटल जिस जिसके पास रेड कैप है रेफरेंशियल एम्बिगिटी रेफरेंशियल एम्बिगिटी में रिफरिंग टू समथिंग यूजिंग प्रोनाउंस फॉर एग्जांपल रीमा वांट्स टू गौरी शी सेड आई एम टायर्ड एग्जैक्टली वू इज़ टायर्ड रेफरेंशियल एम्बिगिटी में हम रिफ़र करते हैं कुछ चीज़ों को यूजिंग प्रोनाउन उदाहरण के लिए रीमा गौरी के पास गई और उसने कहा कि मैं थक गई हूँ एग्जैक्टली exactly इसमें कौन थक गया है वन इनपुट कैन मीन डिफरेंट मीनिंग एक इनपुट के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं मैनी इनपुट्स कैन मीन द सेम मीनिंग मीन द सेम थिंग बहुत सारे इनपुट्स का मीनिंग सेम हो सकता है एन एल पी टर्मिनोलॉजी एन में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। फोनोलॉजी इट इज़ स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग साउंड सिस्टमेटिकली फोनोलॉजी यह स्टडी होता है ऑर्गेनाइज करने को साउंड ऑर्गेनाइज करना साउंड को सिस्टमेटिकली मॉर्फोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम प्रेमेटिव मीनिंगफुल यूनिट्स मॉर्फोलॉजी में किया जाता है स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स प्रेमेटिव मीनिंगफुल यूनिट्स से मॉरफेम इट इज़ प्रीमेटिव यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज यह प्रीमेटिव यूनिट ऑफ मीनिंग होता है एक लैंग्वेज में सिंटेक्स इट रिफर्स टू अरेंजिंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस इट ऑल्सो इनवॉल्व डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर रोल ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस एंड इन फ्रेसिस सेंटेक्स यह रिफर करता है कि हम अरेंज करें वर्ड्स को ताकि एक सेंटेंस बनाया जा सके इसके अलावा यह इन्वॉल्व करता है कि हम डिटरमाइन करें इस्टचर रोल ऑफ वर्ड्स को सेंटेंसेस में और फ्रेस में सीमेटिक्स इट इज कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड हाउ टू कम्बाइन वर्ड्स इन टू मीनिंगफुल फ्रेसिस एंड सेंटेंसेस सीमेटिक्स यह कंसर्न होता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स के साथ और कैसे हम कम्बाइन करेंगे वर्ड्स को मीनिंगफुलस और सेंटेंसेस में से प्रैगमेटिक्स इट डील्स विद यूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस इन डिफरेंट सिचुएशन एंड हाउ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंटेंस इज इफेक्टेड प्रैगमैटिक्स यह डील करता है कि हम यूज़ करें और अंडरस्टैंड करें सेंटेंसेस को डिफरेंट सिचुएशंस पे और कि कैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंटेंस एफेक्टेड होगा डिस्कोर्स इट डील्स विथ हाउ द इमीजिएटली प्रीसीडिंग सेंटेंस कैन अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस डिसकोर्स यह डील करता है कि कैसे इमिजिएटली प्रिस सेंटेंस एफेक्ट करता है इंटरप्रेस ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस को वर्ड नॉलेज इट इंक्लूड्स द जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड वर्ल्ड नॉलेज यह इंक्लूड करता है जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड नेक्स्ट जो हम कवर करें वो है स्टेप्स इन एल एन पी नेक्स्ट अभी हम कवर करेंगे स्टेप्स इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देयर आर जनरल फाइव स्टेप्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में फाइव स्टेप्स होते हैं फर्स्ट होता है लेक्सिकल एनालिसिस इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ़ वर्ड्स लेक्सिकल एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना वर्ड्स के स्ट्रक्चर को लेक्सिकॉन ऑफ अ लैंग्वेज मीन्स द कलेक्शन ऑफ़ वर्ड्स एंड फ्रेसिस इन अ लैंग्वेज लैक्सिकॉन ऑफ आ लैंग्वेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और फ्रेसिस एक लैंग्वेज में लैक्सिकल एनालिसिस इज डिवाइडिंग द वोल चंक ऑफ टेक्सट इंटू पैराग्राफ सेंटेंसिस एंड वर्ड्स लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब होता है डिवाइड करना वोल चंक ऑफ टैक्स को पैराग्राफ सेंटेंसिस या फिर वर्ड्स में सिंटेक्टिक एनालिसिस पार्सिंग सिंटेक्टिक जिसका दूसरा नाम पार्सिंग होता है इन द सेंटेंस फॉर ग्रामर एंड अरेंजिंग वर्ड्स इन अ मैनर दैट शोज द रिलेशनशिप एमोंग द एमोंग दर्ड्स पार्सिंग या फिर सिंटेटिक एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है एनालिसिस ऑफ वर्ड्स इन देंटेंस फॉर ग्रामर और अरेंज किया जाता है वर्ड्स को इस तरीके से कि यह शो कर रिलेशनशिप एमोंग द वर्ड्स देंटेंस सच एज द स्कूल द स्कूल गोज टू बॉय इज रिजेक्टेड बाई इंग्लिश सिंटेटिक एनालर ऐसे सेंटेंस जैसे कि स्कूल स्कूल गया लड़का तो यह रिजेक्टेड होगा इंग्लिश सिंटेटिक एनालाइजर के द्वारा जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है लेक्सिकल एनालिसिस उसके बाद होता है सिंटेटिक एनालिसिस फिर होता है सीमेंटिक एनालिसिस इसके बाद होता है डिस्क्लोजर इंटीग्रेशन और इसके बाद लास्ट में होता है प्रेगमेटिक एनालिसिस ये सारे फाइव स्टेप्स हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के सीमेंटिक एनालिसिस इट ड्रॉज द एग्जैक्ट मीनिंग और द डिक्शनरी मीनिंग फ्राम द टैक्सट एनालिसिस ड्रॉज करता है एग्जैक्ट मीनिंग या फिर डिक्शनरी मीनिंग टेक्स्ट से द टेक्स्ट इज़ चेक्ड फ्रॉम मीनिंगफुलनेस। टेक्स्ट को चेक किया जाता है कि क्या ये मीनिंगफुल है कहीं ये मीनिंगलेस तो नहीं है इट इज़ डन बाई मैपिंग सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द टास्क डोमेन इस प्रोसेस को करने के लिए यानी कि किसी भी टेक्स्ट की मीनिंगफुलनेस को चेक करने के लिए मैप किया जाता है सीमेंटिक स्ट्रक्चर्स को और ऑब्जेक्ट्स को टास्क डोमेन में द सीमेंटिकाइजर डिस सच एज हॉट आइसक्रीम डिसरिगार्ड्स करता है सेंटेंसेस को जैसे कि जिसमें सिर्फ लिखा हुआ हो हॉट आइसक्रीम तो इस तरीके के सेंटेंस को मीनिंगफुलनेस uh, नहीं कंसिडर किया जाता है इन्हें मीनिंगस कंसिडर किया जाता है नेक्स्ट है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जस्ट बिफोर इट मीनिंग किसी भी सेंटेंस का मीनिंग इस बात पे डिपेंड करता है कि मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इसके पहले क्या था इन एडिशन इट आल्सो ब्रिंग्स अबाउट द मीनिंग ऑफ इमिजिएटली सक्सीडिंग सेंटेंस इसके अलावा यह इसमें यह भी देखा जाता है कि इमिजिएटली सक्सीडिंग सेंटेंस का क्या मीनिंग है प्रैगमेटिक एनालिसिस ड्यूरिंग दिस वाट वॉज सेट इज री इंटरप्रिटेड और वाट इज एक्चुअली मैंट प्रेग्मेटिक एनालिसिस में हम यह देखते हैं कि क्या कहा गया था जिसे रीइंटरप्रेट करना है और क्या उसका एक्चुअल मीनिंग है इट इन्वॉल्व डिराइविंग दो एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज विच रिक्वायर रियर वर्ड नॉलेज यह इन्वॉल्व करता है कि डिराइव किया जा सके दो से एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज जो रिक्वायर करता है रियल वर्ल्ड नॉलेज को नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ एनालिसिस अब हम देख रहे हैं इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ एनालिसिस देयर आर ए नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स रिसर्चर्स है डेवलप्ड फॉर सिंथेटिक बट वी कंसिडर ओनली द फॉलोइंग सिंपल मैथड्स कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर एंड टॉप डाउन पार्सर कुछ नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स रिसर्चर्स ने डेवलप किया है सिंथेटिक एनालिसिस के लिए लेकिन हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं कुछ सिंपल मेथड्स को जो कि है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर टॉप और टॉप डाउन पार्सर अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इट इज द ग्रामर दैट कंसिस्ट रूल्स विद अ सिंगल सिंबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रीराइट रूल्स कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर एक ऐसा ग्रामर होता है जो कि कंसिस्ट करता है रूल्स को जिसमें होता है सिंगल सिम्बॉल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द री राइट रूल्स लेटेस्ट क्रिएट ग्रामर टू पार्स ए सेंटेंस मान लीजिए हम क्रिएट कर रहे हैं ग्रामर फॉलोइंग सेंटेंस को पास करें द बर्ड्स पैक्स द ग्रेन द बर्ड्स पैक्स द ग्रेन आर्टिकल्स ए एंड द इसमें कौन article, article कौन से आर्टिकल आर्टिकल कौन कौन से होते हैं ए ऑन अर द नाउ बर्ड बर्ड्स ग्रेन ग्रेन्स नाउन कौन बस बर्ड बर्ड्स ग्रीन ग्रीन नाउन फ्रेस एन पी आर्टिकल प्लस नाउन स्लैश आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आर्टिकल्स डी टी एन डी टी ए डीजे एन वैक्स पैकिंग पैक्ड वर्ब फ्रेस वीपी एन पी वी अपॉन वी एन पी एडजेक्टिव ए डीजे ब्यूटिफुल स्मॉल चिपि द्री ब्रेक्स डाउन देंटेंस इन टू स्ट्रक्चर कंप्यूटर कैन इजिली अंडरस्टूड एंड प्रोसेस इट पार्ट ट्री ब्रेक करता है सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर पार्ट में इस तरीके से कि कंप्यूटर इजिली अंडरस्टूड कर सके और उसे प्रोसेस कर सके इन ऑर्डर फॉर द पार्ट इंग एल टू कंस्ट्रक्ट दिस पार्ट ट्री ए सेट ऑफ री राइट रूल्स विच डिस्क्राइब वॉट ट्री स्ट्रक्चर आर लीगल नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड पार्सिंग एलोविथन का यूज करके हम कंस्ट्रक्ट कर सकें पार्स ट्री को इसके लिए एक सेट ऑफ री राइट रूल्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से ट्री स्ट्रक्चर्स लीगल हैं और जिन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाना है दीज रूल्स से दैट आ सर्टन सिंबॉल में बी एक्सपेंडेड इन द ट्री बाई ए सिक्वेंस ऑफ अदर सिंब ये रूल यह कहते हैं कि क्या कोई निश्चित सिम्बॉल एक्सपेंडेड किया जा सकता है ट्री में बाई ए सिक्वेंस ऑफ अदर सिम्बॉल्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक रूल फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक रूल इफ देयर आर टू स्ट्रिंग्स नाउन फ्रेसेस एन पी एंड वर्सिस वी पी देन द स्ट्रिंग कंबाइंड बाई एन पी फॉलोड बाई वी पी इज सेंटेंस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक रूल के अकॉर्डिंग यदि दो स्ट्रिंग्स नाउन फ्रेस और वर्ड फ्रेस हैं तब स्ट्रिंग कंबाइंड बाय एनपी फॉलोड करेगा बाय वीपी इज अ सेंटेंस द रीराइट रूल्स फॉर द सेंटेंसेस आर एस फॉलोस रीराइट रूल सेंटेंसेस के लिए कुछ इस तरीके से हैं एस टेंस टू एन पी वी पी एन पी टू डी टी एन डी टी एच डी ए डी जी एन वी पी टू वी एन पी लेक्सकॉन डी टी ए द ए डी जे ब्यूटीफुल पार्चिंग एंड बर्ड बर्ड्स ग्रेन ग्रेन्स वी पैक पैक्स पैकिंग द पार्स ट्री कैन बी क्रिएटेड एट शोर पार्स ट्री कुछ इस तरीके से uh, बनाया जा सकता है जिसमें सबसे पहले एस पी एन पी वी पी डी टी एंड वी एन पी ये सब भी रहेंगे उसके बाद रहेगा द बर्ड पैक्स द ग्रेन कैसे आएगा ये एन पी डी टी एन और द ग्रेन्स नाउ कंसिडर द एबोव रीराइट रूल्स सीन्स वी कैन बी रिप्लेसड बाई बोथ पैक और पैक्स सेंटेंसेज सच एज दर्ड पैक्स द ग्रेन कैन बी रोंगली परमिटेड इज दैट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर इज अप्रूव्ड एज करेक्ट मान लीजिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमें एबोव रीराइट रूल्स करना है तो वी रिप्लेस हो सकता है बाई बोथ पैक और पैक्स सेंटेंसेज जैसे कि दर्ड पैक्स द ग्रेन को क्या किया रोंगली परमिटेड किया गया है यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर अप्रूव हुआ है करेक्ट मेरिट द सिंपलेस्ट स्टाइल ऑफ ग्रामर दे आर फॉर वाइडली यूज वन मेरिट इसका यह है इस रूल का कि सिंपली सिंपलेस्ट स्टाइल ऑफ ग्रामर है इसलिए ये वाइडली यूज किया जाता है डीमेरिट्स इसके डीमेरिट्स क्या हैं देर आर नॉट हाईली प्रिसाइज फॉर एग्जाम्पल द ग्रेन्स पैक द बर्ड इज अ अंथेटिकली करेक्ट आंस करेक्टिंग करेक्ट अकॉर्डिंग टू पार्सर बट इवन इफ इट मेक्स नो सेंस पार्सर टेक्स इट एज अ करेक्ट सेंटेंस डी मेरिट्स ये है कि ये हाईली प्रिसाइज नहीं है एग्जाम्पल के लिए ग्रेन्स पैक द बर्ड एक सेंटेली करेक्ट है अकॉर्डिंग टू अ पार्सर लेकिन भले ही ये कोई सेंस नहीं करता है तो पार्सर इसे एज अ करेक्ट सेंटेंस लेता है टू ब्रिंक आउट हाई प्रिसिजन मल्टीपल सेट्स ऑफ ग्रामर नीड टू बी प्रिपेयर्ड हाई प्रिसीजन लाने के लिए मल्टीपल सेट्स ऑफ ग्रामर प्रिपेयर करना पड़ता है इट मे रिक्वायर ए कम्प्लीटली डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स फॉर पार्सिंग सिंगुलर एंड प्लूरल वेरिएशंस पैसिव सेंटेंसेस एटसेट्रा विच कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ ह्यूज सेट ऑफ रूल्स दैट आर अनमैनेजेबल। यहां पर यह रिक्वायर होता है कि कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हो पार्सिंग सिंगुलर और पुरर वेरिएशन के लिए पैसिव सेंटेंसेस के लिए जिससे कि हमें क्रिएशन ऑफ फ्यू सेट्स ऑफ रूल्स मिलता है जो कि अनमैनेजेबल होता है टॉप डाउन पार्सर हियर द पार्सर स्टार्ट विद द एस सिम्बॉल एंड अटेम टू री राइट इट इन टू ए सिक्वेंस ऑफ टर्मिनल सिम्बॉल्स दैट मैच द क्लासेस ऑफ द वर्ड्स इन द इनपुट सेंटेंस अंटिल इट कंसिस्ट ए ऑफ टर्मिनल सिम्बॉल्स यहाँ पर पार्सल स्टार्ट होता है एस सिम्बॉल के साथ और अटैम्प्ट करता है कि रीड किया जा सके इन्हें एक सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल सिम्बॉल्स में जो कि मैच करते हैं क्लासेस ऑफ द वर्ड्स के साथ इनपुट सेंटेंसेस में तब तक जब तक ये इसमें कंसिस्ट uh, हो जाए इंटाइली ऑफ टर्मिनल सिम्बॉल्स दीज आर देन चेक्ड विद द इनपुट सेंटेंस टू सी इफ़ इट इज मैच्ड इसके बाद इन्हें चेक किया जाता है इनपुट सेंटेंस के साथ यह देखने के लिए क्या यह मैच है इफ़ नॉट द प्रोसेस इज स्टार्टेड ओवर अगेन विद अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स यदि ऐसा नहीं है तो प्रोसेस स्टार्टेड होता है ओवर अगेन विद अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स दिस इज रिपीटेड अंटिल ए स्पेसिफिक रूल इज़ फाउंड विच डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इसके बाद यह प्रोसेस रिपीट होता है जब तक कि एक स्पेसिफिक रूल फाउंड नहीं होता जो कि डिस्क्राइब करे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस मेरिट इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट यह इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ही सिंपल होता है डी मेरिट्स इट इज़ इनफिशियंट एज द सर्च प्रोसेस हैज़ टू बी रिपीटेड इफ़ एन एरर और यह इनएफिशियट होता है क्योंकि सर्च प्रोसेस को रिपीट किया जाना चाहिए जब तक कि एरर ऑक्यूर्ट्स हो रहा है स्लो स्पीड ऑफ वर्किंग यह रूल जो है काफ़ी स्लो स्पीड से वर्क करता है इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक यू